गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली ईवीएस की क्लास में हमने लेसन 4 एनिमल्स अराउंड अस का पेज 19 एंड 20 रीड किया था, और इस बार हम 21 और 22 रीड करेंगे। सो शेल्टर्स फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए जगह, रहने की जगह। लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स ऑल्सो नीड ए शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन, हीट, विंड, स्नो, देयर एनिमीज। मानव की तरह जानवरों को भी रहने रेन से, यानी बारिश से, गर्मी से, हवा से, बर्फ से और उनके शत्रुओं से बचाने के लिए घर की जरूरत होती है। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल शेल्टर्स, जंगली जानवरों के लिए वो नेचुरल बनी हुई होती है। मंकीज लिव ऑन ट्रीज, बंदर पेड़ पर रहते हैं। लोइन टेक्स शेल्टर इन केव्स, और लोइन यानी शेर गुफा में रहते हैं। डियर, एलिफेंट्स एंड जिराफ टेक शेल्टर अंडर द ट्री। हिरन, एलिफेंट और जिराफ पेड़ के नीचे रहते हैं। सम एनिमल्स मेक देयर ओवन होम्स, कुछ एनिमल्स अपना घर खुद बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट, पक्षी अपने लिए घोंसला बनाता है। एंट्स मेक एंथिल, चींटी अपने लिए बिल बनाती है। बीस मेक बीहाइव्स, और मधुमक्खी अपने लिए छत्ता बनाती है। स्पाइडर वेब्स वेब, स्पाइडर अपने लिए जाला बनाता है। एनिमल्स लाइक टॉर्टोइस एंड स्नेल कैरी देयर होम्स ऑन देयर बैक। एनिमल्स में टॉर्टोइस और स्नेल अपना घर अपनी पीठ पर, उनका घर उनकी पीठ पर होता है। ओके, अब 22 चैप्टर। सम एनिमल्स लाइक फिश एंड ऑक्टोपस लिव इन वाटर, कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं जैसे फिश और ऑक्टोपस। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, इनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। पेट्स एंड फॉर्म एनिमल्स लिव इन मैन मेड हाउसेज, पेट्स और जो फॉर्म में रहते हैं उन एनिमल्स को आदमी, मतलब मानव खुद घर बनाता है। काउस लिव इन शेड, गाय के लिए छायादार घर बनाता है। डॉग लिव्स इन कैनल, डॉग कैनल में रहते हैं। हॉर्स लिव इन स्टेबल, और घोड़े स्टेबल में रहते हैं। फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए खाना। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, विभिन्न तरह के एनिमल्स के लिए विभिन्न तरह का खाना होता है, डिफरेंट टाइप का। लायन, टाइगर एंड वोल्फ ईट मीट ऑफ अदर्स, शेर, चीता और भेड़िया दूसरे मीट ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों का, दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं। दे आर कॉल्ड मीट ईटिंग एनिमल्स, उनको हम मीट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। काउ, गोट एंड हॉर्स ईट प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, गाय, बकरी और घोड़ा पेड़ पौधे और उनके पार्ट्स खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, इनको हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स लाइक क्रो एंड बियर ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट, एनिमल्स में क्रो और बियर
दोनों चीजें खाते हैं जिसमें प्लांट और मीट हैं। हैन एंड स्क्वायरल ईट ग्रेन एंड नट्स। हैन ग्रेन और स्क्वायरल नट्स खाती है। ओके, ये चैप्टर आपका, आपको ये दोनों पेज अच्छे से रीड करने हैं और क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में करवाएंगे। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करवाते, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। सो फर्स्ट डैश एनिमल्स इंक्लूड पैट एंड फार्म्स एनिमल्स। पैट और फार्म एनिमल्स में कौन से एनिमल इंक्लूड हैं? तो इसमें आएगा डोमेस्टिक। सेकंड वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द डैश। वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। तो सेकंड में क्या भरना है, क्या फिल करना है? फॉरेस्ट। थर्ड एनिमल्स आल्सो नीड ए शेल्टर। एनिमल्स को किसकी जरूरत होती है? शेल्टर्स की। सो थर्ड में शेल्टर भरना है। फोर मंकीज लिव ऑन ट्रीज। मंकी कहाँ रहते हैं? पेड़ पर। तो फोर्थ में मंकीज आएगा। आगे फिफ्थ टाइगर इज ए मीट ईटिंग एनिमल्स। टाइगर कौन सा एनिमल है? मीट ईटिंग एनिमल्स, मतलब वो मांस खाता है। ओके, अब सी क्वेश्चन। ट्रू राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उसके लिए टी फिल करना है और जो गलत है उसके लिए आपको एफ फिल करना है। सो पैट एनिमल्स लिव विद अस। पैट एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं, उसमें आपको सही है तो इसमें आपको टी फिल करना है। अब सेकंड फार्म्स एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। जो फार्म एनिमल्स हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं। यस, इसमें भी आपको टी भरना है। थर्ड वी बिल्ड ए होम फॉर एंट्स। हम हैन के लिए घर बनाते हैं। नो, ये रोंग है तो इसमें आपको एफ फिल करना है। फोर टोर्टोइज कैरी इट्स होम ऑन इट्स बैक। टोर्टोइज अपना घर अपने बैक पर रखता है। यस, ट्रू, तो इसमें आपको टी भरना है। फोर हैंस ईट्स मीट। मुर्गी मांस खाती है तो ये क्या रोंग है तो इसमें आपको एफ फिल करना है। सो अब आपको बी और सी क्वेश्चन अपनी बुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू।